ये दुकान मतलब दुकान नहीं सॉरी है गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज हम नानी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल नहीं सॉरी एक डॉक्टर है धनवंतरी जी, तो उनके पास। वो हुआ ऐसा ना, परसों की बात है, सुबह लेट मतलब मैं बेड में लेट रखा था ना, और सुबह 5:30 बजे अचानक बेड से नीचे करवट बदलते ना जैसे, तो मैंने बदला, मैं बैठ के एकदम साइड मार रखा था सीधा नीचे, और नानी नीचे बैठ के चाय पी रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, और नानी ने पैर सीध कर रखे थे, और वो सीधा मेरा पूरा बॉडी का वेट, मेरी पूरी कमर समेत नानी के पैर के ऊपर, जैसे होता है ना नानी के पैर पे मोच टाइप की आ रही है, तो मुड़ गया पूरा, राइट के लेफ्ट वाला पैर मुड़ा हुआ है, तो ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। सो उसी लिए तब, और परसों से सोजन भी है, तो मम्मी ने सेकन वगैरह की थी नमक के पानी से, तो ठीक है थोड़ा दर्द, पर फिर भी स्वेलिंग है और चलते टाइम दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला नानी को कि तेरे को मैं हॉस्पिटल दिखा के आ जाऊँगा ना, जहाँ मेरा नाक का ऑपरेशन भी हुआ था ना धनवंतरी जी के पास, तो मैंने कहा उधर ही लेके चलता हूँ आपको, और एक बार दिखा के ले आता हूँ क्या बोलते हैं वो, है ना। और गाइस ये धूप तो भाई क्या बोले, धूप ने तो इतना वो कर रखा है ना कि मैंने अभी जैसे गाड़ी के ऊपर से वो हटाया ना वो कपड़े वगैरह, जैसे टॉवल वगैरह मैंने भिगा के रखा रहता है, ताकि इसका जो फाइबर का जो ये होता है ना कवर होता है ना पूरा, ताकि ये इसके वो ना हो मतलब कलर ना फेड हो, इसलिए मैंने पूरा सेफ्टी के साथ सब कुछ रखा रहता है। तो जब निकाला ना भाई, वहाँ पे खड़े खड़े मतलब 20-25 सेकंड हो जाता है कपड़े निकालते निकालते, इतनी भयंकर धूप कि क्या बोले। नानी जी जैसे पीछे बैठी है ना फैमिली, तो नानी क्या बोल रही, सॉरी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है पीछे बाइक पे। अब यार अब गर्मी का टाइम है, अब धूप तो अब क्या बोले, अब धूप अब क्या कर सकते हैं अब, है ना। सो फटफट से चलते हैं डॉक्टर जी के पास। एंड उतरो नानी जी, आराम से उतरना, हाँ हाँ उतरो उतरो, ये दुकान मतलब दुकान नहीं सॉरी एक सेकंड नानी, चलो चलो आगे चलो चलो नानी अंदर चलो। नमस्ते भैया, पहचाना नाक का ऑपरेशन हुआ था जब। नमस्ते अंकल जी, इस पे नहीं कटवट नहीं, वो पैर ना मुड़ गया होगा ना ज्यादा, हाँ मोची टाइप की आ रही है ना। वहाँ बैठ जाओ नानी आराम से। सो गाइस यही था जब मैं गिरा था नानी के ऊपर, यार स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है ना। आराम से उतरो नानी, इस पर करो 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 करो, इस पे पैर रखो, आराम से उतरो, बस चप्पल पहनो नानी जी। दो दिन की दवाई है ना, हाँ हाँ सुबह से हम पूरी खुराक खान चलन ज्यादा नहीं जरा, अब पट्टी खोल मत, कल भी रहने देना। अच्छा मतलब दो दिन तक, आज और कल तक पूरा, परसों पट्टी शुरू कर दे, ठीक है घट जाएगा। अंकल रुपए कितने हुए? 440। मामा जी आ जाएंगे तो कुछ कब चल देंगे? तैयारी तो चल दे, वहाँ जाएगा नहीं, मैंने 500 दिया आपको, तो आपने 60 देना ओनली। हाँ जी जी, ओके अंकल जी, थैंक यू। ये है नानी जी का पर्स, नानी ने पर्स मुझे दे रखा था ना कि पैसे तू देना, लो नानी जी आपका पर्स। ये है दवाई और ये है पर्ची, लो इसको इसमें रख दो। दर्द हो रहा है पैर पे भी? आ जाओ आराम से।
देखो बैठो नानी जी। हाँ जी बहुत ज्यादा नानी जी। सो फैमिली नानी जी को दिखा दिया है डॉक्टर जी के पास और उन्होंने पट्टी लगाई है, क्रीम वगैरह लगाई थी पता नहीं कौन सी, और ड्रेसिंग करते हैं ना जैसे, तो पट्टी वगैरह लगाई उन्होंने और वो क्या बोलते हैं उसको, और एक इंजेक्शन लगाया था तो बोला 2 दिन की दवाई दे रही है, तो बोला कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फट से नानी को अब नानी को घर छोड़ता हूँ मैं, तो उसके बाद मुझे भी बैंक जाना है, थोड़ा भैया के काम से काम ही काम हो रहे यार फैमिली सही में घर के ना। हाँ रुको गेट में खोलता ना जी। नहीं भीड़ नहीं, खाली था। लगाई थी ना। लगाई तो थी परसों कल जान, मतलब तुम तो दर्द रहे तो गरम पट्टी लगा दिया। वो तो दर्द हो ना, जो दर्द हुआ तो जब मेरे की कटमुड़ी से नहीं फोटो तो मेरे की पट्टी बंद तो मेरे की कम होंगे खुद दर्द करने। सॉरी स्कूल नहीं गया, अच्छा छुट्टी है। मम्मी डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दे रही है, सुबह शाम की, सिर्फ सुबह शाम के बस, ठीक है। और दे देना, और मैं बैंक जा रहा हूँ भाई। हैं हाँ मतलब वो धनवंतरी जी वही।